क्या हुआ उर्वशी, अचानक आपका चेहरा क्यों उतर गया? कुणाल ने कुछ काम कहा था, मैं बिल्कुल भूल ही गई। वो नाराज हो जाएंगे। You okay? Yeah, I'm all right. You're most welcome. मुझे आपका खाना। ये फीका खाना हमें कब तक खाना होगा? बस अब कुछ और दिन में। श्वेता और घर में क्या बना है? पता नहीं मम्मी जी। आप खाना तो खाइए, बाद में ले आना, अभी नहीं। अच्छा, क्यों नहीं खाया तुमने खाना? क्या हुआ? करण ने खाना नहीं खाया अब तक। करण ने क्यों नहीं खाया? मम्मी जी, आपकी तबीयत को लेकर वो बहुत परेशान है, बस आप ही के बारे में सोचता रहता है। हाय मामा। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? बैठो। बेटा भूखा रहेगा तो हमारी तबीयत कैसे ठीक होगी? माँ, जल्दी से ठीक हो जाओ ना। तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। इस प्रेमवदा को पटखनी खिलानी है तो कोई ऐसा डाव खेलना होगा भागवत जी कि सारी बाजी हमारी तरफ हो जाए। प्रेमवदा को कम मत समझना आप। माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, और ये प्रेमवदा राजनीति में हम सबकी माँ है, याद रखिए आप भी। हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, मगर ये बाजी जीतने के लिए हमें भारती जी आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? देखिए, प्रियंवदा जी तो बीमार पड़ी हैं, उनकी उम्मीदवारी की कागजी कार्रवाई आप अपने हाथ में ले लीजिए। उम्मीदवारी के फॉर्म्स आपके पास रहेंगे और फॉर्म भरते समय कभी भी कुछ भी गलती हो सकती है ना, और अगर एक भी गलती की वजह से फॉर्म रिजेक्ट होता है तब तो हम इलेक्शन लड़े बिना ही जीत जाएंगे। जहां तक मुझे मालूम है वो अपने फॉर्म के साथ साथ एक डमी कैंडिडेट का फॉर्म भरेगी। भागवत जी, चुनाव हम पहली दफा नहीं लड़ रहे हैं। तो भारती जी, आप वहां रहेंगी ना? अगर डमी कैंडिडेट की जगह करण का नाम भी आ जाता है ना, तो भी बाजी हमारे हाथ में रहेगी। करण का गुस्सा तो जग जाहिर है, उसके गुस्से को ही हम उसका दुश्मन बना देंगे। अगर डमी कैंडिडेट की जगह आप करण का नाम फाइनल करती हैं तो ये इलेक्शन फाइनली हम जीतेंगे, ये मेरा वादा है। प्रिया, मध्यवर्ती चुनाव में हम कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। ये चुनाव हमारे पार्टी का सम्मान और प्रतिष्ठा का चुनाव है, इसलिए मैं ये चाहती हूं कि हमारे पार्टी की तरफ से डमी कैंडिडेट के लिए करण का नाम फाइल किया जाए। सोचा तो हमने भी यही था, लेकिन हमें लगा हमारा फैसला नहीं, इस पर किसी को क्या एतराज हो सकता है।
माँ वो माँ मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स लेने जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ मंगवाना है बाहर से? करण, मैंने और प्रिया ने ये डिसाइड किया है कि हमारे पार्टी की तरफ से डमी कैंडिडेट के लिए तुम्हारा नाम दिया जाए। मुझे? लेकिन सारा काम तो माँ, कम ऑन, अगर किसी को कैंडिडेट देना ही है तो भैया को दीजिए ना। आई प्रॉमिस, मैं पूरी तरह भाई के साथ। नहीं बेटा, उस पर इलेक्शन की बाकी जिम्मेदारियां डाल सकते हैं वो। प्लीज, इस वक्त मेरी क्या प्रायोरिटीज हैं, क्या जिम्मेदारियां हैं, ये मैं अच्छी तरह समझता हूं। आप प्लीज भैया से बात कीजिए। करण जी मां, अगर हम कहें ये हमारा भी फैसला है, अगर तुम हाँ कहोगे तो हमें खुशी मिलेगी। थैंक यू। वेलकम। आई एम सो सॉरी, आई न्यू ईयर्स ईव याद है? इट्स अ स्ट्रेंज कुणाल, ऐसा लगता है ये सब कुछ ऐसे कल ही हुआ है। तुम अभी भी सरप्राइजेस देते हो? वो रेस्टोरेंट में किस बात में मैं तुमसे नाराज हुई थी? तुम्हारी शक्ल देखते ही मैं ये भी भूल गई कि क्यों नाराज थी। याना, मुझे अब चलना चाहिए। कॉफी? नहीं थैंक्स, मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है। हमेशा मेरे हाथ की कॉफी पीना पसंद करते थे। Has that changed? सिर्फ एक कप कॉफी प्लीज, जस्ट इट वोंट टेक वेरी लॉन्ग। कौन से चैनल के लिए काम करती है तुम? लंदन में एक न्यूज चैनल है, इंडियन पर्सनालिटीज पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उन्हीं के साथ हूं। तुम तो कहती थी तुम मालिक बनने के लिए पैदा हुई हो, कभी किसी की नौकरी नहीं करोगे। वेल, कहते तो तुम भी थे कि एक सिंपल सी जगह पर, शांत सी जगह पर एक बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब करोगे। देखो ना, खड़े क्यों, बैठो ना। और अब मुझे पता चलता है कि तुम इस स्टेट के सीएम के बेटे हो। वाओ। सिंपल सी नौकरी ही कर रहा था, लेकिन मजबूरन छोड़नी पड़ी। सिंपल सी जिंदगी भी जी रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी सादगी में भी कुछ खास जरूर था। याना, मुझे बहुत देर। कॉफी 2 मिनट्स, ब्लैक? यस प्लीज। चलो, कुछ चीजें तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। सम थिंग्स नेवर चेंज। कॉफी? थैंक यू। नाइस, वंडरफुल। एक बात बताओ यार, क्या ब्लैक कॉफी तो ब्लैक कॉफी होती है, फिर तुम्हारे आपकी ब्लैक कॉफी का स्वाद इतना अलग क्यों? मैं बताऊं? वो इसलिए क्योंकि इस कॉफी में मैंने अपना प्यार मिलाया है। मम्मी, जूस टाइम। शुक्रिया। और विषय हमारे काम कीजिएगा, कुणाल को फोन करके कह दीजिए कि आते वक्त याना को लेते आए होटल से। दैट्स अ गुड आइडिया।
कॉफी? थैंक यू। वैसे तुम्हारी और उर्वशी की जोड़ी बहुत स्वीट है। थैंक यू। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई मिला ही नहीं। किसी के जाने के बाद कोई ऐसा दूसरा मिला नहीं जिसके साथ प्यार का एहसास हो। यू वेरी लकी, बहुत अच्छी बीवी मिली है तुम्हें। यू नो, अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें इस तरह अकेले किसी औरत के साथ कॉफी नहीं पीने देती। शेयर नहीं कर पाती तुम्हें। शायद मैं तुम्हें किसी औरत के साथ किसी कमरे में अकेले कॉफी नहीं पीने देती। याना, उर्वशी को मुझ पर पूरा भरोसा। हाँ उर्वशी, बोलो। मम्मी याना से मिलना चाहती है। ठीक है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। वो ले आएंगे याना को। याना से भी कह दीजिएगा कि कुणाल उन्हें लेने आएंगे, किसी और काम से कहीं ना निकल जाएं। ओके। I'm so sorry, sorry ये। ठीक है, मैं करता हूँ। वॉशरूम। हेलो। हाय याना, बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। अच्छा याना, अपने कमरे में ही रुकना। हाँ, कुणाल थोड़ी देर में आपको लेने आएंगे। मम्मी तुमसे मिलना चाहती है। लेने आ रहा है कब? वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तुम्हारे साथ? अभी भी वॉशरूम गया है। हेलो, I'm so sorry. New Year's Eve. तुम्हें याद है? It's so strange, Kunal. ऐसा लगता है ये सब कुछ ऐसे कल ही हुआ है। तुम अभी भी सरप्राइजेस देते हो। वो रेस्टोरेंट में किस बात पे मैं तुमसे नाराज हुई थी? तुम्हारी शक्ल देखते ही मैं ये भी भूल गई कि क्यों नाराज थी। याना, मुझे अब चलना चाहिए। या शॉप कॉफी? नहीं थैंक्स, मुझे एक जरूरी मीटिंग पर जाना है। हमेशा मेरे हाथ की कॉफी पीना पसंद करते थे। Has that changed? सिर्फ एक कप कॉफी प्लीज। जस्ट It won't take very long. Come. बैठो ना। कौन से चैनल के लिए काम करती हो तुम? लंदन में एक न्यूज चैनल है, इंडियन पर्सनालिटीज पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उन्हीं के साथ हो। तुम तो कहती थी तुम मालिक बनने के लिए पैदा हुई हो, कभी किसी की नौकरी नहीं करोगी। Well, कहते तो तुम भी थे कि एक सिंपल सी जगह पर, शांत सी जगह पर एक बहुत ही ऑर्डिनरी जॉब करोगे। देखो ना, करे क्यों, बैठो ना। और अब मुझे पता चलता है कि तुम इस स्टेट के सीएम के बेटे हो। वाओ। सिंपल सी नौकरी ही कर रहा था लेकिन मजबूरन छोड़नी पड़ी। सिंपल सी जिंदगी भी जी रहा था लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वैसे एक बात तो है, तुम्हारी सादगी में भी कुछ खास जरूर था। याना मुझे बहुत देर। कॉफी 2 मिनट्स, ब्लैक? यस प्लीज। चलो, कुछ चीजें तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। Some things never change.
हाय। कॉफी? थैंक यू। नाइस। वंडरफुल। एक बात बताओ यार। क्या? ब्लैक कॉफी तो ब्लैक कॉफी होती है। फिर तुम्हारे आपकी ब्लैक कॉफी का स्वाद इतना अलग क्यों? मैं बता? इसलिए क्योंकि इस कॉफी में मैंने अपना प्यार मिलाया है। मम्मी, जूस टाइम। शुक्रिया। और विषय हमारा काम कीजिएगा, कुणाल को फोन करके कह दीजिए कि आते वक्त याना को लेते आए होटल से। दैट्स अ गुड आइडिया। कॉफी? थैंक यू। वैसे तुम्हारी और उर्वशी की जोड़ी बहुत स्वीट है। थैंक यू। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? कोई मिला ही नहीं। किसी के जाने के बाद कोई ऐसा दूसरा मिला नहीं जिसके साथ प्यार का एहसास हो। बट यू वेरी लकी। बहुत अच्छी बीवी मिली है तुम्हें। यू नो, अगर मैं उसकी जगह होती तो तुम्हें इस तरह अकेले किसी औरत के साथ कॉफी नहीं पीने देती। आई मीन, आई गेस आई एम अ लिटिल जेलस। शेयर नहीं कर पाती तुम। शायद मैं तुम्हें किसी औरत के साथ किसी कमरे में अकेले कॉफी नहीं पीने देती। याना, उर्वशी को मुझ पर पूरा भरोसा। हाँ उर्वशी, बोलो। मम्मी याना से मिलना चाहती है। ठीक है, तुमसे बाद में बात करता हूँ। बाय। वो ले आएंगे याना को। याना से भी कह दीजिएगा कि कुणाल उन्हें लेने आएंगे, किसी और काम से कहीं ना निकल जाएं। I'm so sorry, sorry if. ठीक है, ठीक ठीक है, मैं करता हूँ। वॉशरूम। हेलो। हाय याना। बहुत लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। अच्छा याना, अपने कमरे में ही रुकना। हाँ, कुणाल थोड़ी देर में आपको लेने आएंगे। मम्मी तुमसे मिलना चाहती है। लेने आ रहे कब? वो तो ऑलरेडी यहाँ पर है। तुम्हारे साथ? अभी भी वॉशरूम गया है। हेलो। किसी के सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है पापा। आप किसी से माफी नहीं मांगेंगे। अब यही मेरा घर है। नहीं बेटे, वो तेरे अपने हैं, वो तेरा अपना घर है। भूल चुकी हूं मैं, खुल चुकी हूँ सब कुछ। और जो मेरे अपने हैं, मैं उन्हीं के साथ तो हूँ। कृतिका, रिश्ते नातों का भी तो मान रखना होता है ना। मेरा रिश्ता अब सिर्फ इस घर से है। अब यही मेरा परिवार है और यही मेरा संसार। आप जो कहेंगे पापा, मैं वही करूंगी। अब उस घर से मेरा कोई वास्ता नहीं है।